मुझे बहुत डर लग रहा है। कितने की थी ये वैसे? 7-8 ਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਆ ਲੈਟਾਂ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੀ ਏ 80,000 ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਾਈਕ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਕੜੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਢਾਲੀ ਆਲ ਆ ਗਿਆ हेलो जी की हाल चाल मैं ताड़ा अपना हरपाल तालीवाल। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं खड़ा हूँ दिनेशपुर में। तो अब सुखचैन का वेट हो रहा है तो यहाँ से मैं सुखचैन और अपना गुरपिंदर हम तीनों जने निकलेंगे हल्द्वानी के लिए। छोटा सा काम है वो कराएंगे यार। अपॉइंटमेंट ली है तो जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने यार बुलाया था 9:30 बजे और 10 हमें यहीं पे बज गए। चलो कोई चक्कर नहीं। आज वैसे मौसम बहुत ज्यादा बढ़िया हो रखा है, देखो एक नंबर। बड़ा मछरिया की गल अज डांग डुंग मारेगा के चलते हैं। थोड़ा भीड़ हो रही है ना, थोड़ा एक दो गाड़ी एक आगे गेट पर ही है, एक इसको निकालने दो, उसके बाद आपकी गाड़ी को ले लेंगे। तो हम लोग हल्द्वानी आए थे, यहाँ पे सर्विस करानी है अपनी करेटा की। देखते हैं, वो तो कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। बढ़िया मिल जाए कुछ खाने को, फास्ट फूड वगैरह। तो गाड़ी दे दी हमने हुंडई पे, ये लगाएंगे सर्विस पे अभी 2-3 घंटे आराम से। तो हम 12:05 पे पूरे सिस्टम बिठा के सिस्टम आप तो कमल कोमल कह रहे थे। अरे कमलास ही है ना ये, तो कपिलास कपिलास तो यार हम आए हैं कपिलास पे खाने। यार हमने ना गूगल की इसलिए नहीं मानी, पिछले 2 व्लॉगों में आपने देखा होगा हम फेमस जगह दिल्ली में खाने गए हैं लेकिन आउटकम 0 रहा है। तो फिर इसलिए हमने ई रिक्शे वाले से पूछा कि भैया आप कोई बेस्ट जगह पे ले जाओ, तो उसने ये सजेस्ट किया है। तो अब यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया, देखते हैं क्या रिव्यू है इसका। तो हमारी चाउमीन भी आ गई है, समोसे भी आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। तो यार अब हम कपिलास से खा के निकल चुके हैं। यार चाउमीन ठीक ठीक थी, समोसे बहुत टेस्टी थे, ओवरऑल मजा आ गया। एक एक समोसे में पेट भर गया। मारो यार 5 घंटे बाद हमारी 5,000 बार आई है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत भाई साहब, आपने हमारी गाड़ी 5 घंटे में सेट करके दे दी। चलो काम हो गया, गाड़ी कितने पैसे लग गए? 10,000 मोटा मोटा लग गया। ब्रेक शूट डालने वाला, ये डाल दो वो डाल दो, एजेंसी का आप लोगों को पता ही है। तो अब चलते हैं किसी तरफ। ये चीज देख रहे हो, ये चीज तो यहाँ आए 5 मिनट नहीं हुए, इन्होंने 50-50 फोटो खींच ली होंगी। और लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने वहाँ पे बारबेक्यू किया था, यहाँ पे करने लगे थे, बारिश आ गई थी तो फिर उस होटल वाले ने हेल्प की थी, गाड़ी हमने वहाँ लगा दी है। यहाँ पे कैफे मुझे अच्छा लगा था लास्ट टाइम जब मैं आया था, तो जाते जाते देखा था। तो मेरा इरादा है वहीं पे चलकर कुछ खाते पीते हैं, नीचे भी चलेंगे थोड़ा मजा करके आते हैं। उस टाइम रह गया था बस इनकी एक बार फोटो शूट हो जाए। तो हम यार ब्रिज वगैरह पे पिक्चर वगैरह क्लिक करा रहे थे, तो हम वही कैफे आ रहे थे जो आपको बताया था, यहाँ पर हमारे मनवीर भाई मिल गए हैं। तो मनवीर भाई ने अपनी बाइक जो है एकदम, देख रहे हो तुम, मुझे बाइक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मनवीर भाई से पूछेंगे, थोड़ा सा बताओ कौन सी बाइक है, ये क्या क्या लाइटें लगाई हैं आपने? ये भैया बाइक है बैनली 600i। ओके, ये रिफ्लेक्टर है, मतलब ये तो मॉडिफाई कराया खुद ही, अलग से सब चीजें हैं। अच्छा सही है। ये बाइक कितने सीसी होती है? ये 600। मेरी गल सुनो, कितने की ये वैसे? 8.5 लाख दी। आवाज सुनो, आवाज करो में, जब गाने लगते हैं और बंदा पहुंच जाता है। ते भाजी तो यानू आ दसो ये एवरेज कितनी दिंदी है? एवरेज भाजी 10-12 दी। 10-12 दी, मतलब प्लेन ते पहाड़ा ते कोई फर्क पैंदा एवरेज दा या लगभग बराबर ही है? भाई लंबे टूर ते जाओ ते 14-15 दे दंदी है। 14-15 दी भाई, इथे उम्मीद है 10-12 दी एवरेज दी हैगी है। यार सामने व्यू चेक करियो, ये चीज हमें देखने को ही नहीं मिलेगी अगर हम गाड़ी से आ जाएंगे ना, तो ये सारा व्यू खत्म हो जाता है। गुआंडी है मेरा
जब जाते है ना ये तैयार श्यार होके पूरा तो बस देखने वाले होते हैं पूरी किट विट हेलमेट वगैरह पहन के है। दस मैं जद लई सी 16,500 यार चली सी 25,000 चलाती है तो 10,000 चलाती है। मैं दस दूं देखो 3 महीने हजे हुए ने चली 25,700 माइनस 500 मतलब 10,000 ला लो मोटा मोटा 9,000 सो ठीक है इसकी एवरेज है 12 दी 12 ला लो डिवाइड बाय 12 इनटू 103 सो ही ला लो 80,000 दा तेल ला चुकी हो तू है 3 महीने ते मॉडिफिकेशन ते कितना खर्चा लाया जेड़ा मॉडिफाई आ लाइटा मतलब ओवे अलग तो जेड़ा मैं लाया 1.25 लाख रुपया 3 महीने च ओए 80,000 मतलब 2 लाख रुपया 3 महीने च लात आई थे मतलब ए नहीं मांगदी अपनी मर्जी नाल जिन्ना मर्जी कराई जाओ काम यार बदलाए ने चेन सेट वगैरह पर मजा भी इदा ही है लाइटा लवाईया जेड़ी यार ना दुखिया नहीं मेनू फील नहीं होया वो तो मैं एक दिन ओए बैठा मैं देखन दे ऐसा मैं वावा ही खर्चा आपा कर छड़या तो हम यहाँ पे बाइक चेक कर रहे थे ये देखो गाइस मैं पंगे ले रहा हूँ उल्टे उल्टे ये देखो मेरे पैर बड़े मुश्किल से लग रहे हैं लेकिन भैया कह रहे हैं चलो चला के तो देखो यार इतनी तगड़ी बाइक है फिर मैंने कहा अगर ना चलाए तो क्या फायदा मुझे बहुत डर लग रहा है तो इंस्टाग्राम पे डालेंगे हम बढ़िया बढ़िया फोटो चेक करके आओ बताना जरूर यहाँ पे बैठना भी तो टास्क है तो यार बाइक का इतना ज्यादा मजा आ गया ना बाइक अच्छी लगी या तो भाई के साथ हम लोग प्लान बनाएंगे या फिर जैसे भी होता है ये भी अब नया अचीवमेंट हम लोग को हो गया तो ये भी आपको दिखाते रहेंगे फिलहाल कैफे में थोड़ा व्लॉग च देखियो ना तुम कितने गए हैं यार ये बड़ा सोना काम है बजरी करा रही है पखे लाए ने अच्छा जी तुम मैगी भी ऑर्डर करती है तो यहाँ पर रूम वगैरह भी है अच्छा अरे वाह यार सेपरेट कूलर वगैरह भी लगा रखा है शीशा रेडी होने के लिए सामान रखो सब कुछ और सीधा ऐसे उठो और ये खूबसूरत व्यू तो टाइम हो गया है 7:05 तो लगभग 1-2 घंटे हम बैठे हैं खाया पिया है बातें करी हैं और एक नंबर की लोकेशन थी फिर मिलेंगे चलो चलिए आप मौसम देखना यार पानी की आवाज देख रहे हो कितनी आ रही है एकदम से फ्लो कितनी तेज हो गया तो वहाँ पे ना कैंपिंग वैम्पिंग का सीन था हमने फिर इसलिए अवॉइड कर दिया हम प्लान कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ तक पानी आ जाता है तो कैंसिल तो अब चलते हैं यार अभी भी निकलेंगे 7:06 हो चुके हैं 9 बजे तक घर पहुंचेंगे हम तो टाइम हो गया 9:22 और यार मैं आ गया हूँ घर पे इतनी महंगी बाइक मैंने जिंदगी में नहीं चलाई और आज चलाई है मजा आ गया थोड़ा सा ना वो हौसला भी मिल गया अब और भी चलाएंगे बढ़िया बढ़िया चीजें और भी आएंगी बाकी प्लान एक बहुत भयंकर रेडी है मेरा भीर भाई का और हमारे 2-4 और यार दोस्त ले लेंगे तो आपको व्लॉग अच्छा लगा लाइक मार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं मिलते हैं अगले व्लॉग में टिल देन टेक केयर बाय बाय।